नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसीज पार्ट टू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं कहूंगा कि जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में देखो, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कॉन्ग्रुएंसीज की थ्योरम्स की थी। हम उन रिजल्ट्स का यूज करके अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो कि भाई क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर। व्हेन 3 raised to power 40 this is divided by 23, that is हमें क्या करना है प्रूव, हमें 3 raised to power 40 congruent यहां एक नंबर फाइंड आउट करना है मोड 23। तो जो ये नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क जो हमने लगाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। When 3 raised to power 40 divided by 23। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें पीछे जितने भी ये कॉन्ग्रुएंसीज के फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो उसको हम इसमें यूज करेंगे। देखो कैसे, वी नो डेट 3 raised to power 1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 23। भाई 3 - 3 जीरो, जीरो 23 से डिविजिबल है। अब दोनों साइड हम सेम पावर रेज कर सकते हैं, 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 3 raised to power 3। कॉन्ग्रुएंट यहाँ क्या आ जाएगा, 3 raised to power 3 क्या आ गया, 27 mod 23। अब देखो ये 27 है और ये 23, यहाँ तो रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर है, तो ये इस डिवाइजर से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो 27 को हमने 23 से डिवाइड किया, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 3 raised to power 3 congruent दिस इज 4 mod of 23। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्क्वेयरिंग कर देंगे, क्यूबिंग कर देते हैं। चलो क्यूब करेंगे तो पावर क्या होगी, 9। यहां 4 raised to power 3 क्या हो गया, 64 mod of 23। हमें यहाँ 40 पावर बनानी है। तो देखो 64 है, जब 23 से डिवाइड करें तो 46, वैसे डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो 69 करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to power 9 congruent -5 mod of 23। अब यहाँ नेगेटिव आ गया तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो 3 raised to power क्या आ जाएगा, 18 congruent 25 mod of 23। अब ये 25 23 से फिर से ज्यादा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 mod of 23। अब 18 तक आ चुका है, फिर से हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, क्यूबिंग करेंगे तो ज्यादा पावर हो जाएगी, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 congruent 4 mod of 23। एंड 3 raised to power 3 क्या था, congruent 4 mod of 23 था। देखो जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है, 3 raised to power 3 congruent 4 mod 23। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3 raised to power क्या आ जाएगा, 39 congruent 16 mod of 23। अब एक 3 की कमी है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई, 3 raised to power 40 congruent 48 mod of 23। अब ये 48 है, 23 से ग्रेटर है, तो इस 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा mod of 23। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, देयरफॉर दिस 2 इज द आंसर। ठीक है, इस 2 को हम बोलेंगे रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे है।
कि भाई हमें 48 की पावर 49 है ये कॉन्ग्रुएंट टू दिस नंबर फाइंड आउट करना है जब हम किससे डिवाइड करें, 7 से। तो इसमें देखो आपको पता है 48 कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मोड ऑफ 7, ऐसा लिख सकते हैं मोड ऑफ 7। कैसे? 48 माइनस के माइनस 1, 49 इज डिविजिबल बाय 7। अब क्या करेंगे, दोनों साइड सेम पावर रेज कर देते हैं। 48 की पावर क्या आ गई 49, माइनस 1 की पावर क्या आ गई 49 मोड ऑफ 7। तो 48 रेज टू पावर 49 कॉन्ग्रुएंट क्या आ गया, ये यहाँ माइनस 1 की ओड पावर क्या आ गया माइनस 1। लेकिन जो ये माइनस 1 है वो रिमाइंडर नहीं हो सकता, रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। तो यहाँ क्या लिखोगे, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड ऑफ 7 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 48 रेज टू पावर 49 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोड ऑफ 7। ठीक है, तो दिस 6 इज योर आंसर रिमाइंडर। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है भाई, हमें 2 रेज टू पावर 340 कॉन्ग्रुएंट ये नंबर फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ 341। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। पहले अच्छा, 341 जो है वो हमारा ओड नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, अभी इसके फैक्टर हो सकते हैं। 341 को जब हम मान लो 11 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 341 है इसको हम 11 into 31 ये लिख सकते हैं। तो 11 के कॉन्ग्रुएंट दिखा दें 2 raised to power 340 और 31 के, फिर इनको हम कंबाइन कर देंगे। देखो 2 raised to power 5 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 31 होता है भाई। 2 raised to power 5 क्या होता है 32, माइनस 1 31 डिविजिबल बाय 31। और जो 340 है, 340 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 5 into 68। तो दोनों साइड 68 पावर रेज करेंगे तो ये 68 मोड ऑफ 31। ठीक है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 340 कॉन्ग्रुएंट 1 मोड ऑफ 31। एक तो ये आ गया है। ठीक है, अब दूसरा 2 raised to power 5 कॉन्ग्रुएंट -1 मोड 11 लिख सकते हो। कैसे, ये 32 माइनस के माइनस 1 33 डिविजिबल बाय 11 है। अब इसमें रेज टू पावर क्या करें 68 माइनस 1 रेज टू पावर 68 मोड ऑफ 11। तो 2 raised to power 340 कॉन्ग्रुएंट क्या आ गया 1 मोड ऑफ 11, ये सेकंड रिजल्ट। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंबाइंड करें हम तो क्या आ जाएगा 2 raised to power 340 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 341। ठीक है, क्यों, 31 और 11 की जीसीडी क्या है 1। ठीक है, हेंस 1 इज द आंसर रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखो (53 raised to power 103 + 103 power) 53 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू नंबर फाइंड आउट करना है जब मोड ऑफ 39 से जब हम डिवाइड करें। तो देखो कैसे करेंगे, वी नो डेट 53 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मोड ऑफ 39 एंड 103 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू
माइनस 14 मोड ऑफ 39, ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों के साइड में हम पावर रेज करते हैं। देखो यहाँ 103 कॉन्ग्रुएंट 14 रेज टू पावर 103 मोड ऑफ 39 एंड 103, अब इसमें कितनी पावर रेज करते हैं 53। दिस कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 14 रेज टू पावर 53 मोड ऑफ 39। तो अब देखो इसमें इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, 53 रेज टू पावर 103 प्लस 103 रेज टू पावर 53, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 रेज टू पावर 103, और ये माइनस का आ जाएगा ओड है तो 14 रेज टू पावर 53 दिस मोड ऑफ 39। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 रेज टू पावर 53 कॉमन, तो 14 रेज टू पावर 50 माइनस 1 मोड ऑफ 39 आ जाएगा आपके पास। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 14 स्क्वेयर पावर 25 माइनस 1 मोड ऑफ 39 लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 196 रेज टू पावर 53 माइनस 1 दिस मोड ऑफ 39। ठीक है, बट वी नो दैट 196 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोड ऑफ 39 के, तो अब इसकी जो पावर आप 25 करोगे ये कॉन्ग्रुएंट 1 के हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट 1 के इसका मतलब 196 रेज टू पावर 25 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मोड ऑफ 39 के, तो जो ये 196 रेज टू पावर 25 माइनस 1 है तो इसका यूज करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 53 रेज टू पावर 103 प्लस 103 रेज टू पावर 53 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड ऑफ 39, देयरफॉर 0 इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वही शो करना है, शो दैट एवरी नंबर एंड इट्स क्यूब व्हेन divided by 6 leave the same remainder। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं n बी एनी नंबर। ठीक है, तो नंबर की क्यूब माइनस नंबर अगर ये डिविजिबल बाय 6 हो जाए तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो थ्योरम हमने पढ़ी थी लीव द सेम रिमाइंडर। इनको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, तो n इंटू एन माइनस 1 एन प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है n क्यूब माइनस n, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव
नंबर्स। इंटीजर है ये, थ्री कंजुकेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर डिविजिबल बाय थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स। सो सिक्स कंप्लीटली डिवाइड्स एन क्यूब माइनस एन। जब एन क्यूब माइनस एन को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब एन क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू एन मोड ऑफ सिक्स। हेंस ए नंबर एंड इट्स क्यूब लिव्स द सेम रिमाइंडर। When divided by 6, ठीक है, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट a रेस्ट टू पावर n कॉन्ग्रुएंट a मोड ऑफ a माइनस 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 1। तो देखो कैसे करेंगे हम, पहले a रेस्ट टू पावर n माइनस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमन, a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 माइनस 1। अब ये क्या बन जाएगा, a इंटू, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1, a रेस्ट टू पावर n माइनस 2, a रेस्ट टू पावर n माइनस 3 अप टू लास्ट में जाके 1। Therefore, a minus 1 divides a raised to power n minus a. So, a raised to power n is congruent to a mod of a minus 1. ठीक है, हमें ये प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो। अब देखो, if a is congruent to b mod m and a is congruent to b mod of n and gcd of gcd kiski gcd of m and n this is equal to 1, then prove karna hai, prove that jo a hai wo congruent hoga b mod of m n। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले a कॉन्ग्रुएंट b मोड ऑफ m है, इसका मतलब m किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b। दूसरा a कॉन्ग्रुएंट b मोड ऑफ n है, तो यहां से n डिवाइड करेगा a माइनस b को। आल्सो जब a और b, जब m और n की gcd 1 है, इसका मतलब जो m into n है वो भी किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b को। हेंस a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड ऑफ m। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।